हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो आइए डाउनलोड करते हैं। कैसे डाउनलोड करें इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद है सो लिंक होना चाहिए जिससे हम डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे, कोई भी ब्राउज़र। मैंने क्रोम ओपन किया है। क्रोम ओपन करने के बाद गूगल सर्च करेंगे। गूगल का पॉपअप खुलने के बाद इस पे लिखेंगे, लिंक लिखेंगे JITDOUBLEPYSHARE.COM। इसका इंटर करते हैं। इंटर करते ही बहुत सारा रिजल्ट खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिंक चुनेंगे इसमें से, यहाँ पे jitpyshare.com, फ्री फाइल होस्टिंग jitpyshare.com, d5dc361e.apk, ये दोनों लिंक को छोड़ के jitpyshare सर्च पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसका साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए उसका नाम लिख के हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमको डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो मैं एक डाटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ। उसका नाम है iCare डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो नाम डालते हैं iCare डाटा रिकवरी। इंटर करते ही इसके बहुत सारे फाइल ओपन हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे फाइल ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर कोई भी इसमें से कोई भी एक डाउनलोड कर लेंगे, और पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज दे रहा है IBM डाटा स्टोरेज पार्टीशन, यू कैन नॉट सेंड इट्स फुल रिकवरी। इस पर क्लिक करते हैं। iCare डाटा रिकवरी प्रो
तो इसका पॉपअप खुल गया गया है। ये इसका साइज 5 MB का है जो जीप फाइल में डाउनलोड होता है। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही एक और पॉपअप खुलेगा, इसको कट कर देना है और उसके बाद फिर से डाउनलोड पे क्लिक करना है। फिर से पॉपअप खुल के आएगा, उसको कट कर देना है, फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड मेरा ले लिया, तो मैंने डाउनलोड पहले से कर रखा है इसलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। और आपको मैं दिखाता हूँ कि डाटा रिकवरी फाइल प्रो का पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप पे डाल लेंगे। फिर इसको जीप फाइल है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसमें मेरा डाटा रिकवरी का सेटअप विथ क्रैक है। तो चलिए आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सेटअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद है सो रन का परमिशन एक्सेप्ट करना है, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और इंस्टॉल पे क्लिक करते ही यह इंस्टॉल होने लगेगा। तो इंस्टॉल हो करके फिर है सो ऐसा खुल के आएगा, तो डेस्कटॉप पे ऐसा खुल के आएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यस करेंगे उस पर, तो आइए आपको रिकवर करके दिखाता हूँ मैं। जैसे यह मेरा 5 MB का वीडियो है, इसको मैं सिर्फ दबा के डिलीट कर देता हूँ तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। ठीक, उसके बाद है सो फिर हमको वापस लाना है, डेटा को रिकवर करना है। तो आइए आपको रिसाइकिल बिन में भी दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर भी नहीं है। तो ये कैसे वापस आएगा, तो सबसे पहले डिलीट फाइल रिकवर पे क्लिक करेंगे। अब मैंने कौन सा ड्राइव से या सॉफ्टवेयर को डिलीट किया है, तो मैंने डी से डिलीट किया था, तो डी चुन लेना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है,
नेक्स्ट करते ही यह डिलीट किया हुआ फाइल को रीड करना शुरू कर देगा। देखिए डिलीट किया हुआ फाइल आ चुका है, यह मैंने 5 MB का डिलीट किया था, यह फाइल आ चुका है, इस पर चेक मार्क लगा के और फिर नेक्स्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमको यह चुनना होता है कि यह रिकवर कहाँ पे किया जाए। मान लीजिए जिस ड्राइव से आपने इस डाटा को डिलीट किया है उस ड्राइव में रिकवर नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा याद करके रखिएगा आप लोग। तो मैं डेस्कटॉप चुन लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट करते ही मेरा फाइल रिकवर हो चुका है, अब मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो एग्जिट कर देता हूँ और देखिए यह मेरा फाइल है सोच रन हो, फाइल रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।